टाइम ट्रैवल मशीन, टेलीपोर्टेशन और टेलीकाइनेसिस की तरह एक और चीज है जो हम हमेशा से चाहते हैं। ये है उड़ने वाली गाड़ी। हमने इसे कई फिल्मों में देखा है और सिर्फ कुछ सालों में इन्हें हम हर जगह उड़ते हुए देख पाएंगे। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? अगर आप वाकई में ट्रैफिक जाम में फंसे हो तो आपने ऐसा जरूर सोचा होगा कि अगर आपके पास फ्लाइंग कार होती तो आप सीधा उड़ करके ट्रैफिक क्रॉस कर लेते, पर ये चीज सिर्फ 5 सालों के अंदर सच हो सकती है और आप अपने ऊपर गाड़ियों को उड़ते हुए देख सकते हो। पर जब सबके पास उड़ने वाली गाड़ी होगी तो इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे? जब हमारे पास एरोप्लेन और ड्रोन मौजूद है तो फ्लाइंग कार को कमर्शियली रिलीज होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? फ्लाइंग कार से होने वाले एक्सीडेंट से हम कैसे बचेंगे और क्या होगा अगर हमारी गाड़ियां उड़ने लगे? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। फ्लाइंग कार्स का सपना कुछ नया नहीं है। जब से एरोप्लेन बनने शुरू हुए हैं तब से ही लोगों ने फ्लाइंग कार्स बनाने का भी सोच लिया था। कई फिल्मों में हमने कई अलग अलग तरह के फ्लाइंग व्हीकल्स को देखा है और आज जब हमारे पास एकदम छोटे से छोटे ड्रोन मौजूद है तो फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स होना भी बिल्कुल पॉसिबल है। एक दो कंपनियां नहीं बल्कि 16 से भी ज्यादा कंपनियां लगी हुई हैं और इनमें से कुछ ने तो वर्किंग मॉडल्स को भी लॉन्च कर दिया है और उबर टैक्सी के तो 2025 तक लॉन्च होने के प्लान है। पर सवाल ये है कि जब इसका सपना लोगों ने एरोप्लेन बनाने के साथ ही देख लिया था तो अब तक फ्लाइंग कार्स हमारे पास क्यों नहीं है? आखिर क्यों हमारे पास 100 साल के बाद भी फ्लाइंग कार्स नहीं है? तो देखो, इसके कई वजह हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि आसमान में भले ही हमें ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाए पर हवा में होने वाले एक्सीडेंट जमीन में होने वाले एक्सीडेंट की तुलना में काफी ज्यादा भयानक होंगे। जब लाखों गाड़ियां ऊपर बहुत तेजी से उड़ रही होंगी तो इससे लोगों की सेफ्टी पर भी सवाल उठेगा। आसमान में एक्सीडेंट होने से ना सिर्फ दो गाड़ियों को बल्कि नीचे रह रहे लोगों को और उनकी पूरी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचेगा। स्काई स्क्रैपर्स हर जगह है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी हवा में उड़ने वाली गाड़ी किसी बिल्डिंग में क्रैश कर जाए। अभी अगर हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम टो के हेल्प से या बाकी चीजों के जरिए गाड़ी को इजीली ठीक करवा सकते हैं। पर हवा में अगर इंजन फेल होता है या इस जैसी कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है विच इज टोटली पॉसिबल, तो ये काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। फ्लाइंग कार्स की डिले होने की एक वजह सेफ्टी के अलावा इसकी कीमत है। फ्लाइंग कार की एक कंपनी एरोमोबिल ने एरोमोबिल 3.0 को $1.5 million में ऑलरेडी कमर्शियली रिलीज कर दिया है। अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स को साइड कर भी दें तो भी वेदर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और अगर गाड़ी हवा में होने के वक्त ही आंधी तूफान या किसी तरह से हवाओं की स्पीड बढ़ जाती है तो हमारा जिंदा बचना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ इन्हीं सब रीजंस फ्लाइंग कार्स को इतना इंतजार करना पड़ रहा है। खैर, जहां तक बात है एक्सीडेंट्स की, तो इसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि हमारी गाड़ी कोई ह्यूमन बीइंग ऑपरेट करेंगे या टेस्ला की ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलेंगे। देखो, इस पर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। जिन्हें मशीन्स पर भरोसा नहीं है वो गाड़ियों को खुद से चलाना चाहेंगे, वहीं कुछ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी पर पूरा भरोसा होगा। और इन सब के बाद हमें सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए ऐसा डिसीजन लेना होगा जो मासेस के लिए भी सूटेबल हो। एविएशन सेफ्टी मैगजीन के मुताबिक 90% नॉन कमर्शियल प्लेन एक्सीडेंट इंसानों की गलती के कारण होती है और यही वो वजह है जिसके कारण कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लाइंग कार्स को ऑटोनोमस होना पड़ेगा। फ्लाइंग कार्स और सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए इस पर भी लॉ बनेंगे कि कब मौसम साफ है और इसे कब उड़ाना है, कब हमारी गाड़ी क्रैश नहीं होगी, हमारी फ्लाइंग कार्स की कितनी स्पीड होगी और कितनी हाइट पर ये उड़ेगी, इन सब को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई रूल ब्रेक करता भी है तो आसमान में पुलिस उसे कैसे पकड़ेगी जब फ्लाइंग कार्स हर जगह होंगे और जब ये AI पर उड़ेंगे तो एक चीज बहुत अच्छी होगी कि हमारे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। टेस्ला की ऑटोनोमस गाड़ियों से ये क्लियर है कि हम AI पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। पर सवाल अभी भी और आगे भी यही रहेगा कि आखिर कितना, क्या हम Level 4 ऑटोनोमस को 5 साल के अंदर अचीव कर पाएंगे? फ्लाइंग कार्स यानी कि EVTOL से एक फायदा ये भी होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो जाएंगे। एक स्टडी में ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल्स यानी कि EVTOLs गैस पावर्ड गाड़ियों की तुलना में 35% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिचार्जेबल बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज को माइन करने में भी काफी ज्यादा स्पेंड करना होगा, जिस वजह से ये अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली नहीं होगा। इसके अलावा अभी हमारे पास जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें हमें श्योरली बहुत से इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हाँ, इन फ्यूचर फ्लाइंग कार्स की जगह फ्लाइंग टैक्सी शायद थोड़ी अफोर्डेबल हो जाए। जॉब एविएशन और उबर ने इसके लिए टाई अप भी किया है और मोस्ट प्रोबेबली हम 5 साल के अंदर इसे देख पाएंगे। पर फ्लाइंग कार्स को कन्वीनियंट, सेफ और बजट फ्रेंडली करने में अभी काफी वर्क करना बाकी है और हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हम उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल छोड़ दें। वैसे उड़ने वाली गाड़ियों से हम दूर दूर तक जा सकते हैं, पर जितने एक्सीडेंट हम लगभग हर दिन अपने आसपास होते हुए देखते हैं शायद उड़ने वाली गाड़ियों से भी पहले। हमें ऐसे गाड़ियों की जरूरत है जो कभी ना टूटे। तो कभी सोचा है क्या होगा अगर सभी गाड़ियां इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाए?
लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।